डॉक्टर वर्मा भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिकों में से हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भौतिकी वेत्ता हैं, राष्ट्रीय भौतिक शाला के निदेशक हैं, राष्ट्रीय भौतिक शाला के निदेशक होने से पहले आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर रहे हैं और उससे पहले आपने लंदन में और दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी में रिसर्च की है। आपने दो पुस्तकें लिखी हैं जिनका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म एंड पॉलीटाइपिज्म इन क्रिस्टल्स और क्रिस्टल्स ग्रोथ एंड डिसलोकेशंस। इन दोनों पुस्तकों का अनुवाद रशिया में हुआ है। 1964 में आपको सर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था। मैं डॉक्टर वर्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो अपना व्याख्यान दें। माननीय सभापति जी, देवियों और सज्जनों, यह मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति अभिभाषण देने का मुझे अवसर दिया गया है। मैं देश के उस महान विभूति को, जिनको कि हम लोग प्यार से राजेंद्र बाबू कहते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। वे राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर कार्य करते हुए भी सदैव ही जन साधारण के हितार्थ अपने हृदय में स्थान रखते थे। वे भारत की समस्याओं पर गूढ़ विचार करते थे। ऐसी ही एक समस्या इस वार्तालाप का विषय है, भारत में ऊर्जा स्रोत एवं संभावनाएं। आज मनुष्य मात्र के लिए ऊर्जा की समस्या ऐसी है कि इसके संतोषजनक समाधान पर ही मनुष्य का अस्तित्व निर्भर करता है। यह सर्वविदित है कि इस उपग्रह पर सूर्य द्वारा प्रदत्त ऊर्जा पर प्राणी एवं वनस्पति सभी का जीवन निर्भर है। सच पूछिए तो संपूर्ण जीवाश्म ईंधन अर्थात फॉसिल फ्यूल्स एकत्रित सौर ऊर्जा कही जा सकते हैं, उसी के दूसरे रूप हैं। अतएव ये आश्चर्य की बात नहीं कि हमारे पूर्वज सूर्य को देवता ईश्वर के रूप में मानते थे। शायद आपको ये जानने की इच्छा हो कि इस ऊर्जा समस्या के प्रति हम एकाएक क्यों जागरूक हो उठे। क्या हमारी भूतपूर्व पीढ़ियां एवं पूर्व पीढ़ियों को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती थी? हम सदैव अपना भोजन पकाते रहे तथा कोयले एवं लकड़ी को जलाकर अपने आप को सर्दी से बचाते रहे, किंतु जैसी समस्या आज है उस तरह की समस्या इससे पूर्व तो कभी नजर नहीं आई। कारण क्या है? इसके मुख्य दो कारण हैं। प्रथमतः विश्व की जनसंख्या द्रुत गति से बढ़ रही है। द्वितीयतः रहन सहन में जीवन स्तर भी बढ़ चुका है। विश्व की जनसंख्या की वृद्धि को दर्शाने के अनेक ढंग हैं जिसके लिए विचार करें। इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति का आविर्भाव 20 या 30 लाख वर्ष पहले हुआ और सन 1830 में संपूर्ण संसार की जनसंख्या 100 करोड़ थी। तत्पश्चात अगले 100 वर्ष में ही जनसंख्या की बढ़ोतरी 100 और करोड़ हो गई, अर्थात 1930 में जनसंख्या 200 करोड़ हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी आबादी लाखों साल में पैदा हुई थी उतनी इन 100 सालों में पैदा हो गई। अब देखिए 1930 के बाद आबादी किस तरह बढ़ी है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अगली 100 करोड़ की आबादी बढ़ने के लिए केवल 30 वर्ष ही लगे, अर्थात 1930
घन 30 1960 में संसार की जनसंख्या 300 करोड़ तक पहुंच गई। इस प्रकार 400 करोड़ जनसंख्या के अंक होने के लिए केवल 15 और वर्ष ही लगे, अर्थात सन 1975 में इतनी अत्यधिक आबादी हो गई। इसी प्रकार अगले 13 वर्षों में 500 करोड़ और भावी 10 वर्षों में 600 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी यदि आबादी इसी अनुपात से बढ़ती रही। मानव द्वारा ऊर्जा का उपभोग तथा उनकी समृद्धि। दूसरा कारण जिसके विषय में मैंने वर्णन किया है वह है जीवन स्तर में सुधार एवं वृद्धि। यदि हम विविध राष्ट्रों की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम तथा उन देशों में प्रति व्यक्ति की ऊर्जा की खपत एनर्जी कंजम्पशन पर हेड के मध्य एक ग्राफ बनाएं तो एक रुचिकर संबंध प्राप्त होगा। जो जितना ही समृद्ध देश है उसकी ऊर्जा की खपत उतनी ही अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी राष्ट्र में उपभोग की गई प्रति व्यक्ति ऊर्जा उस राष्ट्र की समृद्धि का मापदंड है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम हमारे देश की अपेक्षा 40 गुनी अधिक है और उपभोक्त ऊर्जा प्रति व्यक्ति यानी एनर्जी कंजम्पशन पर हेड वो भी लगभग 40 गुना है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जिनकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की केवल 7% है संपूर्ण ऊर्जा की 32% अर्थात संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 1/3 भाग उपयोग करता है, जबकि हमारे देश में जहाँ पर जनसंख्या संपूर्ण संसार की 20% है संपूर्ण संसार में प्राप्त ऊर्जा का केवल 1% उपभोग किया जाता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वास्तविक रूप में समृद्ध होने के लिए मनुष्य को अपनी उपलब्ध ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी दिन प्रतिदिन अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं विकासशील देश ज़्यादातर मूल उत्पादनों का निर्यात करते हैं, उदाहरणार्थ खाद्य पदार्थ, कॉफ़ी, चाय, जूट एवं कच्ची धातु आदि। इन वस्तुओं के निर्यात द्वारा उन देशों को अपने साधनों का पूरा पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। यदि ये देश इन साधनों के उत्तम मूल्य चाहते हैं तो उन्हें इन मुख्य उत्पादनों की प्रोसेसिंग करनी चाहिए। उदाहरणार्थ अयस्क कच्ची धातु को धातु तथा मिश्र धातु में परिवर्तित करना चाहिए और तत्पश्चात उनका प्रयोग इंजीनियरी उत्पादनों के निर्माण में करके निर्यात करना चाहिए। इस प्रकार न केवल उनको उत्तम मूल्य ही मिलेगा बल्कि रोजगार भी मिलेगा और जीवन स्तर भी ऊंचा हो सकेगा। इन सब के लिए उनको आवश्यकता होगी ऊर्जा की। अतः संसार में सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए ऊर्जा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आधुनिक खपत नमूने को मानते हुए वर्तमान मूल्यांकन से पता चलता है कि संसार में ऊर्जा की आवश्यकता प्रति 10 वर्ष में दुगनी हो रही है। संसार में कुल शक्ति उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता आज 100 से 150 लाख मेगावाट है। यह वैद्युत शक्ति कितनी हुई 100 से 150 लाख मेगावाट इसका अनुमान करने के लिए इसकी तुलना हम दिल्ली में स्थापित लगभग 400 मेगावाट शक्ति से करें। संपूर्ण संसार में ये शक्ति दिल्ली जैसे 40,000 शहरों द्वारा वांछित शक्ति के बराबर है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सन 2000 में यह खपत वर्तमान आवश्यकता की 4 से 5 गुनी हो जाएगी। यह मान लिया गया है कि आधुनिक खपत नमूना जारी रहेगा जिसमें समृद्धशाली राष्ट्र हमसे अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन स्तर भी ऊंचा हो तो हमें अपनी वृद्धि की दर
विकसित देशों से अधिक करनी पड़ेगी। इस प्रकार सन 2000 ईस्वी में संसार को वर्तमान ऊर्जा खपत की 4 से 5 गुना से कहीं अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मानव हितार्थ तथा सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए प्रचुर मात्रा में ऊर्जा को उपलब्ध कराना न केवल हमारे देश के लिए बल्कि विश्व के सभी छोटे बड़े देशों के लिए एक बड़ी भारी समस्या बन गई है। हमारे देश में ऊर्जा के साधन, सर्वप्रथम हमें ऊर्जा के उन साधनों पर विचार करना चाहिए जो हमें उपलब्ध हैं। इन ऊर्जा साधनों को हम 2 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला कन्वेंशनल एवं व्यावसायिक साधन, दूसरा अनकन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल व्यावसायिक साधन, इस श्रेणी में शेष देशों की तरह हम भी निम्न उपयोग करते हैं। पहला कोयला, दूसरा तेल, तीसरा जल विद्युत, चौथा प्राकृतिक गैस, पांचवा न्यूक्लियर ऊर्जा। अब लीजिए अनकन्वेंशनल सोर्सेज। इसके उदाहरण हैं लकड़ी का जलाना, खरपतवार, कृषि अवशेष, गोबर तथा सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का प्रयोग। कोयला, गैस, तेल तथा न्यूक्लियर ऊर्जा की उत्पत्ति खनिज पदार्थों के प्रयोग पर निर्भर है। संसार में इन खनिज पदार्थों का केवल एक सीमित भंडार है और यदि एक बार हम इनको समाप्त कर दें तो उसके बाद वे उपलब्ध नहीं होंगे। उनको हम फिर से पौधों की तरह उगा नहीं सकते, अतः ये साधन पुनः नवीकरण नहीं किए जा सकते। इसी को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। किंतु इसके विपरीत ईंधन, लकड़ी, कृषि अवशेष, पशु उच्छिष्ट तथा जल विद्युत आदि सौर ऊर्जा ही हैं जो विविध रूपों में परिवर्तित है। अतः जब तक सूर्य प्रकाशमान है तब तक ये हर वर्ष हमें उपलब्ध हैं। इसीलिए इनको हम ऊर्जा का पुनर्नवन रूप, रिन्यूएबल फॉर्म कह सकते हैं। इन साधनों के अतिरिक्त भारत में पशु शक्ति भी बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है। पशु शक्ति में मानव शक्ति भी जोड़ी गई है। कोयला, कोयले को ही लीजिए। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार हमारे पास कोयले का लगभग 2000 करोड़ टन प्रमाणिक भंडार है और इसके अतिरिक्त भी मिलने के संकेत हैं। औद्योगीकरण के उपरांत कोयला ही ऊर्जा का मुख्य साधन रहा है। पिछले तेल संकट उत्पन्न होने से पहले अधिकतर कार्य जो कोयले से किए जाते थे तेल से किए जाने लगे, क्योंकि तेल से ऊर्जा का प्राप्त करना सरल एवं अधिक स्वच्छ है। हमने भी भारत में इसी रवैये को अपनाया और इस प्रकार 6ठी दशक में हमारी तेल ऊर्जा खपत 150% बढ़ी, जबकि कोयले द्वारा बढ़ोतरी केवल 25% बढ़ी। तेल संकट के पश्चात अब प्रवृत्ति बदल रही है। ये एक संतोष का विषय है कि हमारे कोयले के भंडार हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु 200 या 300 साल तक के लिए पर्याप्त होंगे। कोयले के उपयोग से संबंधित कुछ समस्याएं भी हैं। कोयला ऊष्मीय मान में कम तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में अधिक खर्चीला है। यदि हम विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु कोयले का अत्यधिक प्रयोग करना आरंभ कर दें तो इसके परिवहन के लिए विशेष रूप से रेलवे लाइन तथा बहुत अधिक रेलवे डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तत्पश्चात कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगी। इस प्रकार कोयला प्रदूषक है और कोयले को ऊर्जा स्रोत में प्रयोग करने से संभव है कि पारिस्थितिक संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाए, क्योंकि हजारों लाखों वर्षों पहले पौधों द्वारा अवशोषित कार्बन जो अब कोयले का रूप धारण कर चुका है उसको हम जलाकर बहुत बड़ी मात्रा में
कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करेंगे। जब हम लकड़ी जलाते हैं तो हम 10-20 वर्षों की एकत्रित कार्बन संपदा जलाते हैं, अतएव इकोलॉजिकल या पारिस्थितिक संतुलन बहुत थोड़ा बिगड़ता है। एक उपमा दूं, लकड़ी जलाना अपने जीवन की कमाई को खर्च करने के बराबर है और कोयला जलाना अपने बाप दादों और पूर्वजों की कमाई को जलाने के समान है। तेल, अब तेल के विषय में कुछ विचार करें। संसार में संपूर्ण ऊर्जा की लगभग आधी ऊर्जा तेल द्वारा उत्पन्न की जाती है। तेल उत्पादक राष्ट्रों द्वारा तेल के मूल्य में बढ़ोतरी के निर्णय से विश्व की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, विशेष तौर पर हमारे जैसे विकासशील देशों पर। यद्यपि अभी संसार में तेल की कमी नहीं है, किंतु वर्तमान उपभोग दर के अनुसार संसार में तेल स्रोत थोड़े ही वर्षों में समाप्त हो सकते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में ये अनिवार्य है कि किसी अन्य स्रोत का अन्वेषण किया जाए। भारत में तेल भंडार नाम मात्र का है। हमारी गणना तेल आयात करने वाले देशों में है और देश की लगभग 2/3 तेल आवश्यकता का आयात किया जाता है। बॉम्बे हाई को मिलाकर भी प्रमाणिक परिणाम अपर्याप्त हैं और अधिक आयात अनिवार्य है। यद्यपि प्राकृतिक गैस में आशातीत अनुसंधान से लाभ हो रहा है, किंतु सब मिलाकर तेल तथा गैस क्षेत्र में अभी हमारी दशा अच्छी नहीं है। प्रदूषण, जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन इस उपग्रह पर पृथ्वी की भोजन उत्पन्न करने की क्षमता, बढ़ते हुए उच्छिष्ट वेस्ट का अवशोषण, पर्याप्त शुद्ध जल जो प्रतिदिन दूषित हो रहा है की प्राप्ति, विविध कच्ची धातुओं तथा खनिज पदार्थों का संभरण जो प्रतिदिन तीव्र गति से समाप्त हो रहे हैं, तथा क्षय होती हुई प्रचुर ऊर्जा के प्रदान पर निर्भर करती है। यदि ये मान लिया जाए कि संसार की ऊर्जा की के प्रति बढ़ती मांग को कोयले अथवा तेल जलाने से पूरा किया जाए और इस प्रकार औद्योगिकरण बढ़ते रहें, तो उसी के अनुसार प्रदूषण भी बढ़ता रहेगा। हम में से जिनको इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन जो दिल्ली के निकट है जाने का अवसर मिला है, अवश्य ही चिमनी से उड़ता हुआ धुआं दिखाई दिया होगा जो प्रतिदिन 100 टन से भी अधिक है। इस पावर हाउस के चारों ओर मीलों दूरी तक यदि सफ़ेद चादर कहीं बिछा दी जाए तो उस पर रात्र में महीन भूरे धूलिकण पड़े मिलेंगे। चिमनियों से इस धूलिकण के साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है जो घूम फिर कर वर्षा से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में पृथ्वी पर वापस आता है। फलस्वरूप हमारी इमारतों, भवनों तथा फेफड़ों को गलाता है। जापान में भीड़ भरे टोक्यो में अधिक मोटर कारों के कारण यातायात पुलिस को कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव कम करने के लिए प्रति 2 घंटे पश्चात शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करना होता है। बिगड़ते हुए प्राकृतिक पर्यावरण नेचुरल एनवायरनमेंट से केवल मनुष्य जाति ही आतंकित नहीं है, बल्कि अनेक पशु ऐसे हैं जिनकी मनुष्य से भी कम सहन शक्ति है। ये अनुमान लगाया गया है कि इस शताब्दी में कहीं ना कहीं संसार में प्रतिवर्ष एक जाति स्पीसीज का लोप हो जाता है। स्वीडन के प्राणी विज्ञानी काई कुरी लिंडहल के मतानुसार इस पृथ्वी से 300 से अधिक जातियां तथा उपजातियां स्पीसीज और सब स्पीसीज का प्रायः लोप हो चुका है। यदि इन जातियों का एक बार विनाश हो जाए तो आधुनिक तकनीकी कितनी भी प्रौढ़ क्यों न हो, अपनी टेक्नोलॉजी पर हमें कितना भी गर्व या घमंड क्यों न हो, ये जातियां पुनः अस्तित्व में मानव द्वारा वापस नहीं लाई जा सकती। जरा विचारिए कि यदि बंगाली चीता, गैंडा अथवा हाथी संसार में न रहे तो जीवन का कितना आनंद कम हो जाएगा। ऊर्जा की बढ़ती हुई खपत के सर्वाधिक
भयानक परिणामों में से एक परिणाम पृथ्वी के जलवायु के परिवर्तन की संभावना हो सकती है। अतः हमें ऐसे स्रोतों और साधनों की खोज करनी है जिनका नवीकरण भी हो सके और प्रदूषण भी न हो। जल विद्युत साधन। सर्वेक्षण से पता चलता है कि जल विद्युत की कुल क्षमता का हमने अभी तक केवल एक बहुत छोटे से अंश का विकास किया है। कई सौ गुना अधिक पन बिजली मिल सकती है, परंतु इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग उन क्षेत्रों में है जो सुगमता से प्राप्त नहीं है। प्रतिवर्ष लगभग 86,000 करोड़ घन मीटर बर्फ पिघलकर हिमालय से नीचे आ जाता है। आजकल इसमें से अधिकांश सागर में जाकर व्यर्थ हो जाता है। एक आशाजनक योजना गारलैंड नहर योजना का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत दो नहरों का निर्माणार्थ विचार किया गया है, जिसमें भारत की पर्वतमाला तथा संपूर्ण पठार को घेरा गया है। इन नहरों के अनेक सहायक नहरें होंगी तथा जल एकत्र करने के लिए कृत्रिम झीलों का निर्माण किया जाएगा। यह विचार किया गया है कि हिमालय क्षेत्र की नहरों तथा जल भंडार में लगभग 2,500 लाख एकड़ फुट और दक्षिण पठार में लगभग 7,000 लाख एकड़ फुट जल एकत्र हो सकेगा। केवल भारत के मध्य एवं दक्षिण भारत में ही वर्षा 15,000 लाख एकड़ फुट होती है, जिसमें से 13,560 यानी 15,000 में से 13,560 लाख एकड़ फुट जल नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बह जाता है। यह बहता हुआ जल न केवल व्यर्थ हो जाता है बल्कि देश के अनेक भागों में बाढ़ का प्रकोप उत्पन्न करता है। इस प्रकार की योजना का विचार बाढ़ नियंत्रण तथा सूखा को दूर करने के उद्देश्य से आया, परंतु इसके साथ ही उपोत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रचुर मात्रा में जल विद्युत भी प्राप्त होगी। बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण, विशेष विशाल झीलों का बनाना तथा नदियों के मार्ग परिवर्तन आदि आधुनिक तकनीकी क्षमता के अंतर्गत हैं, किंतु इनके परिणाम स्वरूप जलवायु में परिवर्तन, भूस्खलन, लैंडस्लाइड का भय, भूलवीकरण लैंड सेलिनेशन तथा जल संखेलन वाटर लॉगिंग आदि समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तदोपरांत भावी प्रभाव के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं है। यदि हम ऐसी विशालतम योजना बनाएं जिससे प्रतिवर्ष आने वाले बाढ़ प्रकोप और सूखे से अपने को सुरक्षित कर सकें, तो फलस्वरूप हमें बहुत बड़ी मात्रा में जल शक्ति प्राप्त होगी। विद्यमान साधनों के जल विद्युत शक्ति का उत्पादन सीमित है। इस समय जल से मिलने वाली शक्ति अनुमानतः 40,000 मेगावाट है। जल शक्ति अभी भी काफ़ी खर्चीली, अधिक समय लेने वाली और कठिन विधि है। नाभिकीय शक्ति न्यूक्लियर एनर्जी। अब हमें नाभिकीय रिएक्टर द्वारा उत्पन्न शक्ति के कार्यक्रम की ओर ध्यान देना है। भारत उन कुछ देशों में से है जिन्होंने इस दिशा में निर्माण क्षमता की ओर विचार किया है। जैसा कि विदित है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में आरंभ हुआ था और सन 1950 ईस्वी में उन्होंने नाभिकीय शक्ति के विषय में अपना कार्यक्रम तैयार कर लिया था। फिर भी इसके द्वारा उत्पादित शक्ति बहुत ही कम है। देश के नाभिकीय शक्ति संयंत्रों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के निर्माण एवं अभिकल्पना डिजाइन में बहुत सीमा तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। तारापुर से कल्पक्कम तक की प्रगति हमें तकनीकी आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय ध्येय की ओर ले जा रही है। हमारे यूरेनियम के स्थापित भंडार इतने अधिक नहीं हैं और केवल इस शताब्दी तक की ऊर्जा आवश्यकता के कुछ अंश हेतु ही पर्याप्त हैं। थोरियम का भंडार पर्याप्त है, जो इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया से दूसरे नंबर पर गणना में आता है। थोरियम के 1 टन से उत्पादित ऊर्जा 30 लाख टन कोयले की उत्पादित ऊर्जा के तुल्य है। थोरियम भंडार की उपयोगिता
की संभावना है, परंतु यह तीव्र प्रजनक रिएक्टर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विकास से जुड़ी है। अभी भी तीव्र प्रजनक रिएक्टर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के द्वारा थोरियम के भंडार से शक्ति उत्पन्न करने में बहुत सी समस्याएं हैं जिनका अभी हल निकालना बाकी है। नाभिकीय संगलन ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, निकट भविष्य में अर्थात सन 2000 ईस्वी की अवधि तक ये आशा नहीं की जाती है कि संगलन रिएक्टर फ्यूजन रिएक्टर से उत्पादित शक्ति भूमंडलीय ऊर्जा सप्लाई के लिए कुछ योगदान देगी। यह अनिश्चित है कि नियंत्रित नाभिकीय संगलन प्रतिक्रिया कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन शक्ति साधन रूप में सन 2000 ईस्वी से पूर्व प्रयोगशाला में प्रदर्शित भी हो सकेगी अथवा नहीं। सैद्धांतिक रूप में ड्यूटेरियम एवं ट्रिटियम का नियंत्रित नाभिकीय संगलन ऊर्जा की लगभग असीमित मात्रा प्रस्तुत करने में सशक्त है। 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, जिस पर यह रिएक्शन होता है, के ऊष्मा स्रोत को वाष्प रूप में परिवर्तित कर टरबाइन चलाने के प्रयोग में इंजीनियरी समस्या भयानक हो सकती है। संगलन प्रतिक्रिया फ्यूजन रिएक्शन के प्रचंड न्यूट्रॉन फ्लक्स प्रत्येक वस्तु को लगभग तीव्र रेडियो सक्रिय बना देता है। 21वीं शताब्दी में संगलन भूमंडलीय सप्लाई को योगदान देगी, इसकी काफ़ी आशा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय शक्ति के भविष्य पर अक्सर शंकाएं व्यक्त की जाती हैं। वास्तव में नाभिकीय शक्ति सदैव से ही विवादास्पद विषय रहा है। रूढ़ तकनीकी तरीकों की क्षमताओं के अनुसार समृद्ध यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम की बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति, तीव्र प्रजनक रिएक्टर फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में तकनीकी समस्याएं, नाभिकीय पदार्थों की चोरी एवं अंतर्ध्वंस सबोटाज, बचे हुए नाभिकीय व्यर्थियों न्यूक्लियर वेस के सुरक्षित निपटान संबंधित समस्याएं हैं। इन सबके कारण नाभिकीय कार्यक्रम की पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन में गंभीर समस्याएं हैं, जिनके फलस्वरूप बढ़ती हुई मांग को पूरा करना कठिन है। अव्यावसायिक ऊर्जा साधन, भारत में अव्यावसायिक ऊर्जा साधन जो देश में खपत की आधी शक्ति प्रदान करती है, ऊर्जा की महत्वपूर्ण छवियों में से एक है। इस ऊर्जा की अधिकांश मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, जहां पर भारत की 65 करोड़ जनसंख्या की 70 से 80% जनता रहती है। यह ग्रामीण जनता लकड़ी कृषि अवशेष एवं पशु गोबर को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करती है तथा उसका उपयोग करती है। ग्रामीण समूह की इस व्यावसायिक साधनों पर निर्भरता भविष्य में रहेगी। यद्यपि संपूर्ण ऊर्जा खपत में इसके भाग में कुछ गिरावट गत 10 वर्षों में अवश्य आई है, लकड़ी तथा गोबर कंडे के उपयोग के साथ साथ जन शक्ति तथा पशु शक्ति यांत्रिक ऊर्जा के रूप में सिंचाई एवं पीने के लिए पानी की व्यवस्था के लिए की जाती है। ग्रामों में पानी पीने के लिए कुएं अक्सर दिखाई देते हैं, जहां पर पुरुष एवं महिलाएं मिलजुल कर पानी खींचते हैं। हमारे कृषि क्षेत्र में पशु शक्ति से हल चलाने का दृश्य अभी भी अक्सर दिखाई देता है। यद्यपि अव्यावसायिक ऊर्जा साधन काफ़ी अपर्याप्त हैं, फिर भी जब तक हमारा जीवन स्तर ऊंचा नहीं होता, तब तक ये विधियां हटाई नहीं जा सकती। अतएव जब तक अतिरिक्त और नए ऊर्जा के साधन नहीं प्राप्त कराए जा सकते, अव्यावसायिक ऊर्जा साधन हमारे इस संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा, अब हमें बहुचर्चित सौर ऊर्जा के विषय में विचार करना चाहिए। हम पर सूर्य देवता की काफ़ी अनुकंपा है और सूर्य प्रकाश संपूर्ण वर्ष ही पर्याप्त रहता है। ऐसा आंका गया है कि सूर्य 5 सप्ताह की अवधि में इस पृथ्वी को इतनी ऊर्जा प्रदान कर देता है कि यदि हम उसका उपयोग कर सकें तो वो सदियों तक पर्याप्त है।
हमारे देश में सूर्य चमकता है और यह देश सूर्य चमकने वाला देश कहलाता है। वर्षा ऋतु के 2-3 माह को छोड़कर वर्ष की शेष अवधि में इस उपमहाद्वीप पर सूर्य चमकता ही रहता है। वास्तव में कभी कभी तो इस अवधि में सूर्य का प्रकाश असह्य हो जाता है। आर्द्र वस्त्रों को सुखाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग एक तथ्य है। वस्त्र शुष्कों क्लोथ ड्रायर्स की संख्या देश में काफ़ी उपेक्षणीय हो सकती है। लगभग देश में संपूर्ण फसल सौर ऊर्जा से ही सुखाई जाती है। हमारे देश में फसल काटने के बाद गेहूं का धूप में चट्टा लगा दिया जाता है अथवा धानों को सड़क पर सूखने के लिए फैलाने की प्रथा सामान्य लक्ष्यदर्शी है। देश के पूर्वी भाग में दोपहर को स्नान करने के लिए सर्दियों में पानी धूप से गर्म करना असाधारण नहीं है। प्रति वर्ग किलोमीटर पर सूर्य की विकिरण लगभग 10 लाख किलोवाट अर्थात 1000 मेगावाट पड़ती है। ये मात्रा दिल्ली की कुल बिजली की शक्ति से लगभग 3 गुनी के बराबर है। एक वर्ग किलोमीटर पर इतने विशाल ऊर्जा भंडार की प्राप्ति हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि यह ऊर्जा राजनैतिक दृष्टिकोण से विवादहीन है और इसको देश से बाहर भी नहीं ले जाया जा सकता जब तक यह ऊर्जा के अन्य रूप में रूपांतरित न की जाए। हमारी आवश्यकताएं, यह परमावश्यक है कि औद्योगिकरण का द्रुतगति से विकास करने के लिए तथा अपनी कृषि उपज को उन्नत करने के लिए ऊर्जा प्रदाय स्थिति को तीव्र गति से बढ़ाया जाए। इस स्थिति को जल्दी से जल्दी उन्नत करना है। यदि हम ये मान लें कि शताब्दी के अंत तक हमारी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा पश्चिमी यूरोप के प्रति व्यक्ति ऊर्जा की आजकल की खपत की लगभग आधी हो, तो भी हमें 2 लाख मेगावाट की विद्युत शक्ति की स्थापना करनी होगी। ये अनुमान लगाया गया है कि हमारी संपूर्ण जल विद्युत लगभग 40,000 मेगावाट होगी। यदि इस संपूर्ण जल बिजली का उपयोग कर लिया जाए तो भी शेष लगभग 1.5 लाख मेगावाट की पूर्ति कोयले नाभिकीय ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक साधनों से करनी पड़ेगी। पर यदि हम अपने जीवन स्तर को शीघ्र उन्नत करना चाहते हैं तो यह वांछनीय है कि हम अपनी ऊर्जा साधनों को प्रति 5 वर्ष में दुगना करते रहें। ऐसी दशा में हमें शताब्दी के अंत तक 10 लाख मेगावाट शक्ति उत्पन्न करनी होगी, जिसकी कम ही आशा प्रतीत होती है। हमारी संपदाओं का उपयोग, कोयले का उपयोग, हम ये पहले ही देख चुके हैं कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में कोयला है और हमारी बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अत्यधिक धूप है। कोयले के मुख्य उपयोग रेलगाड़ियां, शक्ति उत्पादन तथा अन्य उद्योगों में ही है। यदि हम यह मान लें कि हमारी ऊर्जा की मांग की पूर्ति बहुतायत से कोयले द्वारा होगी, तब देखिए वो क्या समस्याएं हैं जिनका हल ढूंढना है। भारत में कोयला भंडार भौगोलिक वितरण की दृष्टि से असमान है। कोयले भंडार का लगभग 3/4 भाग देश के पूर्वी राज्यों बिहार, पश्चिमी बंगाल एवं उड़ीसा में एकत्रित है। अतः देश के अन्य भागों में प्रयोग करने के लिए बहुत बड़ी परिवहन समस्या खड़ी हो जाती है। यदि यह सारा कोयला खानों से राज्यों की राजधानियों तक रेल द्वारा पहुंचाया जाए तो सिर्फ इसी के लिए एक अलग रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी। यह काफ़ी खर्चीला प्रस्ताव है, क्योंकि कोयला जिसकी ऊष्मीय मान कम है बहुत मात्रा में ढोना पड़ेगा। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार निम्न श्रेणी की ऊर्जा को ऐसे स्थान पर ले जाया जाए जहां पर स्वयं सर्वशक्तिमान सूर्य ने पर्याप्त ऊर्जा दे रखी हो। लेकिन अभी तक सौर ऊर्जा को उपयोगी वैद्युत तथा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर करना बहुत महंगा है। कोयले के उपयोग के लिए अनेक प्रस्ताव एवं सुझाव रखे गए हैं। इन सुझावों में से एक ये भी है
कि खदानों पर ही बहुत से अधितापीय सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किए जाएं, किंतु ये तभी संभव है जबकि शीतल जल की सुविधाएं स्थल पर ही प्रदान करने का प्रावधान हो। निकटवर्ती नदियां उपलब्ध हों तो अधितापीय पावर स्टेशनों की स्थापना उन नदी तट पर की जा सकती है। इन निकटवर्ती नदियों तक पट्टा संवाहक बेल्ट कन्वेयर अथवा ऊपरी ट्रॉलियां ओवरहेड ट्रॉलीज द्वारा कोयले को ले जाना सुलभ होगा। इस बिजली को देश के अन्य भागों तक पहुंचाना मितव्ययी होगा या नहीं कहा नहीं जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि अतिरिक्त उच्च वोल्टेज वाली प्रत्यक्ष धारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी का तरीका इस प्रस्ताव को तकनीकी ढंग से सुसंगत एवं आर्थिक दृष्टि से आकर्षित बना सकता है। एक दूसरा प्रस्ताव हमारे एक साथी ने किया है। इस प्रस्ताव अनुसार अमोनिया को खानों पर ही कोयले द्वारा संश्लेषित सिंथेसाइज किया जा सकता है और तत्पश्चात इसको स्टील पाइपों के द्वारा संपूर्ण देश के 30 नोडीय बिंदुओं तक पंप किया जाए। प्रश्न है, इसे द्रव या जलीय रूप में पंप किया जाए? इसका उत्तर सन 2000 की तकनीकी अवस्था पर निर्भर है। स्थान स्थान पर पाइपों से अमोनिया निकालने का उचित प्रबंध किया जा सकता है। इन नोडीय बिंदुओं पर अमोनिया की कुछ लाख टन मात्रा के भंडारण क्षमता का प्रावधान होना चाहिए। अमोनिया के कुछ उपयोग। पहला तथा मुख्य एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण अमोनिया का उपयोग उर्वरक फर्टिलाइजर में है। इसका उपयोग शोरे के तेजाब, नाइट्रिक एसिड, वस्त्र उद्योग, विस्फोटक, प्लास्टिक, रेजिन आदि के निर्माण में किया जाता है। दूसरा, अमोनिया नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है। जब अमोनिया वायुमंडलीय दाब पर गर्म की जाती है तो लगभग 500 डिग्री सेल्सियस पर अपघटन डिकम्पोज होना आरंभ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन गैस अवयवों में रूपांतरित हो जाती है। कैटलिस्ट उत्प्रेतक की उपस्थिति में अमोनिया का अवघटन और भी तीव्र हो जाता है। अपघटनोपरांत 1 टन अमोनिया से 14/17 टन हाइड्रोजन नाइट्रोजन तथा 3/17 टन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। अमोनिया के अपघटन से इस प्रकार प्राप्त हाइड्रोजन प्रत्यक्ष रूप से अधितापीय पावर स्टेशन सुपर थर्मल पावर स्टेशंस में ईंधन की तरह प्रयोग की जा सकती है। ये हाइड्रोजन विशेष प्रकार के बर्नरों द्वारा अधितापीय स्टेशनों में वाष्प तैयार करने में प्रयोग की जाएगी। विशेष अभिकल्पित बर्नरों द्वारा स्पेशली डिजाइंड बर्नर्स, जिसमें अन्य सुरक्षात्मक सावधानियां हों, तो हाइड्रोजन का प्रयोग द्रवित पेट्रोलियम गैस के स्थान पर घरेलू ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। मोटर गाड़ियां वायुयानों तथा ऑक्साइड खनिजों से ऑक्सीजन हटाने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। अमोनिया का भंडारण ढलवा लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम अथवा पॉलीथीन आदि के पात्रों में किया जाता है, किंतु ताम्र पात्र में नहीं। अधिकतर अमोनिया को एकत्र करने तथा लाने ले जाने के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों की आवश्यकता पड़ती है, जिन पर सामान्य तापक्रम पर अमोनिया की वाष्प से कोई असर न हो। अमोनिया चाहे द्रव रूप में हो अथवा जलीय रूप में, पाइपलाइनों द्वारा नवसंचारण संभव है तथा आशा की जाती है कि अमोनिया का संचारण समान ऊर्जा के उत्पादन में कोयले के संचारण से अधिक सस्ता होगा। संश्लेषित अमोनिया, सिंथेटिक अमोनिया उद्योग की स्थापना 65 वर्ष पूर्व हुई थी। उर्वरक उद्योग की बढ़ती मांग के फलस्वरूप इसका विकास द्रुत गति से हुआ। अमोनिया के संश्लेषण हेतु आवश्यकता प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 3 भाग तथा नाइट्रोजन के 1 भाग का संश्लेषण होता है। हाइड्रोजन स्रोतों के लिए उन देशों में जहाँ पर्याप्त कोयला है, जल गैस वाटर गैस बहुत ही उपयोगी है। जल गैस का निर्माण गर्म कोक पर वाष्प गुजारने से किया जाता है। यह जल गैस
हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। उत्तम दशाओं में 1.5 टन कोयले से 1 टन अमोनिया तैयार किया जा सकता है। अमोनिया का उत्पादन व्यय 25% कोयला, 25% वाष्प, 20% मजदूरी तथा 30% पूंजी व्यय पर अनुमानित है। यह केवल प्रस्ताव है, किंतु अभी इस प्रस्ताव की तकनीकी आर्थिक उपयोगिता का अध्ययन किया जाना बाकी है। अभिभाषण के इस प्रथम भाग में मैंने आपके सम्मुख हमारे देश में ऊर्जा के कुछ कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल साधनों का जिक्र किया। इनमें से कुछ साधनों का नवीकरण किया जा सकता है, अर्थात वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सौर ऊर्जा उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा साधन है जिसके लिए भारत को अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। अगले भाग में हम देखेंगे कि हमारी क्या शक्यता, विभव या पोटेंशियल्स क्या हैं और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए हमें तुरंत क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।